चलिए उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी से विधायक राकेश प्रताप सिंह का एक बयान सामने आया है। राकेश ने शिवपाल सिंह यादव के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव हमारे नेता हैं और उनको जो भी पार्टी जिम्मेदारी सौंपेगी वो उसको बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि काफी समय बाद बीजेपी को सद्बुद्धि मिली है, जब जागो तभी सवेरा। और इसके अलावा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के सवाल पर कहा कि मायावती पहले ये समझ लें और तय कर लें कि राजनीति उन्हें दिल्ली की करनी है या फिर उत्तर प्रदेश की। वो अपने आप को समझ लें कि राजनीति कहाँ करना है, राजनीति दिल्ली पे बैठ के करना है, राजनीति यूपी की करना है कि राजनीति पूरे देश की करना है कि राजनीति देश की करना है, फिर वो किसी को समझाएं और बुझाएं भी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में किसके साथ रहना है और क्या करना है। तो मुझे लगता है कि अभी उनको समझना पड़ेगा। तीसरे मोर्चे की आज दिल्ली में बैठक हो रही है, इसमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जरूर इस पर कोई जवाब देंगे। और भाजपा को रोकने के लिए अगर कोई गठबंधन बन रहा है तो उसमें समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।